आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल उपवास थाली। तो शुरुआत करेंगे कच्चे केले की सब्जी के साथ। यहाँ पर मैंने 4 कच्चे केले लिए हैं। इन्हें सावधानी से कट कर लेंगे और इन्हें हम मीडियम आंच पर 3 सीटी आने तक उबाल लेंगे। तो चलिए, केले उबल चुके हैं और इन्हें छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच घी गरम कर इसमें जीरा और हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालकर इसे सौटे कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी कटे हुए केले, सेंधा नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर और इसी के साथ यहाँ पे मैं मिला रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के पाउडर से सब्ज़ी में और ही बेहतरीन स्वाद आ जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले और 5 मिनट तक ढक के इसे कुक कर ले। तो 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लूँगी। तो अब सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल के और इसे सर्व करेंगे। तो आइए अब हम बनाते हैं व्रत वाले पराठे। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी राजगीरे का आटा और आधा कटोरी समा वाले चावल का आटा। इसमें मैं मिलाऊंगी बारीक कटी हरी मिर्च, नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, मूंगफली दरदरी पीसी हुई, इसे मैंने पहले ही भून लिया था, आलू, 1 आलू लेंगे बॉईल किया हुआ और इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसी में मैं ऐड करूंगी काले मिर्च का पाउडर। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंथ ले। इस आटे में बिल्कुल ग्लूटन ना होने की वजह से ये वैसे नहीं बनेगा जैसा हमारा नॉर्मल रोटी का आटा होता है। तो पराठा बेलने के लिए यहाँ पे मैंने एक साफ पॉलीथीन ली है और उसके दोनों भी साइड मैंने कट कर लिए हैं। अब बीच में मैं थोड़ा सा घी लगा के इसकी ग्रीसिंग कर लूँगी। और एक छोटी सी लोई ले लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। आपके पसंद अनुसार आप छोटा या बड़ा पराठा बेल सकते हो। मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे पराठा बेलने के लिए लोई ली है। पॉलीथीन से हम इसे कवर कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इस पराठे को बेलेंगे। सावधानी से करें, ये पराठे जो है वो फटने की संभावना होती है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से बेला है ताकि ये आसानी से बेला जाए। पराठा बहुत मोटा ना बेले और ना ही बहुत पतला बेले। तो देखिए, ये पराठा हमारा बेल चुका है और अब हम सावधानी से इसे अपने हाथों पे लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से पैन पे सेकने के लिए डाल देंगे। पराठे को दोनों साइड से घी लगा के सेक लेंगे। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, मैं पराठे को दोनों साइड से सेक लेती हूँ। जितना मैंने आटा बताया था उसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के पराठे आराम से बन जाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और आपको भूख का एहसास बिल्कुल नहीं दिलाते। आप सिर्फ व्रत में ही नहीं तो अन्य दिनों में भी इस तरीके का पराठा ज़रूर बना के खाएं और अपने बच्चों को और परिवार वालों को भी खिलाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं सैलेड। तो सैलेड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने खीरा लिया है
हिलरे को छील लेंगे। और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। खीरे को आप कट करके ही लीजिए, क्योंकि अगर हम इसे ग्रेट करते हैं तो ग्रेट करने के बाद में खीरे का पानी निकलना शुरू हो जाता है और इसका स्वाद बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। इसलिए हम इसी तरीके से छोटा छोटे पीसेस में ग्रेट कर लेंगे और एक बाउल में इन खीरों को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अनार के दाने। नमक, चीनी और मैं यहाँ पे मिलाऊंगी पीसी हुई मूंगफली और इसी के साथ हम डालेंगे दही। दही डाल के इसे मिक्स कर ले और देखिए ये रायता जो है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहोगे तो इसमें घी और जीरे का तड़का भी लगा सकते हो या फिर आप इसे इसी तरीके से खा सकते हो। तो हमारी सब्ज़ी पराठा और रायता बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए ये हमारी थाली बनके तैयार हो चुकी तो है और खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट खाना जरूर और बनाएं। होल मील हमारा ये तैयार हो गया है। अच्छी लगती है तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।